अपनी सिस्टर को हेल्प करने के लिए राइटर उसके घर पर गई। नेबर में एक डायरेक्टर रहता था जिससे उसे प्यार हो जाता है, पर अचानक से उसकी सिस्टर का मर्डर होने के बाद सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब ये मर्डर किसने किया था और क्या ये अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पाएंगे, ये हम आज की हमारी मूवी प्राइजन इफ 2022 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक वेबकैम के गर्ल को देखते हैं, उस पर कोई नजर रख रहा था। पैरेलल में एक बहुत ही फेमस राइटर जो हमारी मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रेस, ही हमसे इंट्रोड्यूस होती है। वो क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स लिखती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। अचानक से उसे अपनी सिस्टर का कॉल आया जिसे हेल्प की ज़रूरत थी और वो जल्दी से निकल पड़ी। ये सिस्टर वही वेबकैम गर्ल है। सिस्टर ग्रेस को इतनी जल्दी घर आता देख सरप्राइज्ड हो गई थी। वो अपने पेरेंट्स के पुराने घर पर रह रही थी। सिस्टर का नाम है कैथलीन और उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है। ग्रेस ने पूछा कि इसका रीज़न क्या था। कैथलीन ने कहा कि मैंने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, अब मैं एक टीचर बन चुकी हूँ। पहले कैथलीन को ड्रग की आदत थी, उस वजह से सब कुछ वो बर्बाद कर रही थी, पर अब जब वो सुधर गई थी पर फिर भी उसका हस्बैंड उसे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता था, इसी वजह से उसने डिवोर्स लिया है। अपने बेटे की वो कस्टडी पाना चाहती है। वो इस बार कॉन्फिडेंट थी कि वो केस जीत जाएगी। उसका हस्बैंड एक फ्रॉड कर रहा था और इसके प्रूफ उसके पास थे। नेक्स्ट सीन में ग्रोसरी स्टोर में एक रॉबरी चल रही थी। वहाँ पर हमारा और एक मेन कैरेक्टर एड था। एड ने प्रिटेंड किया कि अपनी सारी चीज़ें वो फ्लोर पर रख रहा है, तभी रॉबर से उसने गन ले ली। सिचुएशन को उसने कंट्रोल कर लिया क्योंकि वो पुलिस में था। अभी अभी उसने एक बहुत बड़ा केस भी सॉल्व किया है तो उसे अब छुट्टी मिल चुकी है। ग्रेस और कैथलीन डिस्कस कर रहे थे कि इतना सारा लीगल मैटर करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। ये हाउस दोनों के नाम पर था, पर कैथलीन इस पर लोन लेना चाहती थी और इसी वजह से ग्रेस की सिग्नेचर उसे चाहिए थी। ग्रेस भी उसे हेल्प करने के लिए मान जाती है। कैथलीन का इस तरीके से अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल करना ग्रेस को अच्छा नहीं लगता। कैथलीन ने कहा कि तुम घटिया बुक्स बेचकर अपने पैसे कमाते हो, तुम क्या मुझसे कह रही हो। इस बात पर इनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया। रात में इन दोनों को बुरा लगता है और ग्रेस कैथलीन के पास आ गई। कैथलीन बहुत ही वरीड थी क्योंकि कोर्ट में उसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें भूली जाएगी। ग्रेस ने कहा कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथलीन का किसी ने सिस्टम हैक कर उसका पता निकाल लिया था। अगली सुबह उसके जाने के बाद ग्रेस राइड करने का ट्राई कर रही थी, पर उसे कंस्ट्रक्शन की कुछ आवाज़ें आती है। एड ही उसका नेबर था। वो दोनों थोड़ी सी बात करते हैं और ग्रेस एड के लिए कॉफ़ी लेकर आई। एड देखते ही उसे पहचान लेता है क्योंकि हमेशा उसकी बुक्स पढ़ता है। ग्रेस ने तुरंत एड को गूगल किया और उसे भी उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। एड पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ ले सकता हूँ। ग्रेस ने कहा कि मुझे तो तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहिए, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी केसेस सॉल्व करते हो। ग्रेस ने उसे पूछ लिया क्या हम दोनों मिलकर किसी केस पर काम कर सकते हैं। ये एक टाइप की डेट ही थी। ये दोनों इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। कैथलीन को हम स्कूल में देखते हैं, सारे स्टूडेंट पर वो बहुत ही अच्छे से नजर रखती थी। एक लड़का आजकल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उसे वो बहुत डांटती है। ग्रेस ने कैथलीन को कॉल कर बता दिया कि आज मैं डेट के लिए जा रही हूँ तो घर पर आने के लिए ज़रा लेट हो जाऊँगी। कैथलीन घर आकर कुक कर दिए और आज रात वो अकेले ही थी तो उसने लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया। ग्रेस और एड अपनी डेट पर एक केस को डिस्कस करते हैं। दोनों का दिमाग एक ही टाइप से चलता है तो दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत मजा आता है। डेट के बाद एड ग्रेस को अपना घर दिखाने के लिए लेकर गया। वो आज अपने किचन को फिक्स कर रहा था। वो दोनों इमेजिन करते हैं कि इस किचन में हस्बैंड वाइफ का होना कैसा होगा। वो दोनों करीब आ गए थे तो किस कर लेते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि एक दूसरे से फिर से मिलना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ग्रेस घर गई तो उसे डायरेक्टली कैथलीन की डेड बॉडी मिलती है। वो वैसे ही रोते रोते घर से बाहर आई। एड जल्दी से उसके पास पहुंचता है। अंदर जाकर उसने चेक किया तो कैथलीन की डेथ हो चुकी थी। ग्रेस को बहुत बुरा लगता है। उसने कहा कि कैथलीन को मेरी ज़रूरत थी और तब मैं उसके पास नहीं थी। अब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही तो कैथलीन के पास वो नहीं जा सकती। एड ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस को कैथलीन के वेबकैम गर्ल होने के बारे में पता चल गया। ग्रेस के लिए केस एड खुद लेना चाहता था। अभी अभी एक बड़ा केस उसने सॉल्व किया तो उसे कंपलसरी एक छुट्टी मिली थी। तो अपने कोवर्कर से उसने कहा कि प्लीज़ मुझे इस केस में आने के लिए हेल्प करो। उसका फ्रेंड पहले मान नहीं रहा था पर बाद में उसे हेल्प कर देता है। एड ने ग्रेस से पूछा कि क्या तुम्हारी सिस्टर को कोई धमका रहा था, क्या उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा था। ग्रेस ने कहा कि उसका एक्स हस्बैंड उसके खिलाफ था। कैथलीन के पास उसके खिलाफ कुछ सबूत भी थे तो उसके पास एक बहुत ही स्ट्रांग मोटिव है। एड ने पूछा कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी सिस्टर एक वेबकैम गर्ल थी, उसके इंटरनेशनल बहुत ही अमीर क्लाइंट्स थे। ये सब ग्रेस के लिए एक शौक ही था। ग्रेस अकेला नहीं रहना चाहती तो एड के घर पर ही सोती है। एड ने कहा कि हम जल्द से जल्द किलर को पकड़ लेंगे। मीडिया वगैरह सब लोग यहाँ पर अब पहुँच चुके थे। एड ने उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहा, पर ग्रेस कहती है कि मैं इस केस को सॉल्व करना चाहती हूँ।
वो खुद बहुत बार पुलिस को केस सॉल्व करने में हेल्प कर चुकी है और इस बार भी कर सकती है। वो फिर क्राइम सीन पर गई। उसने एड से पूछा कि क्या तुमने उसके एक्स हस्बैंड से बात की। एड कहता है कि वो एक फंड रेजर पर था, वो मर्डर नहीं कर सकता। ग्रेस को लग रहा था कि शायद उसने किसी को हायर किया होगा। जब कैथलीन की बॉडी पड़ी हुई थी तो उसके हाथ क्रॉस की तरह थे। किलर पीछे के दरवाजे से आया था और उसके शू का साइज 11 है। कैथरीन ने भागने की बहुत कोशिश की पर किलर ने उसे स्ट्रैंगल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के लिए कैथरीन जिस वेबसाइट के लिए काम करती थी वहां पर ये लोग पहुंच गए। किलर और कैथलीन के क्लाइंट के बीच में वो कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे पर ओनर ने कहा कि इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। कैथलीन के सारे क्लाइंट से कंट्री के बाहर के थे। कैथलीन के सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग वो मांग लेते हैं। एड का फ्रेंड पूछता है कि तुम इस केस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो। एड कुछ बोल नहीं रहा था तो समझ गया कि ग्रेस और एड के बीच में कुछ चल रहा है। कैथलीन के स्कूल से सामान लेने के लिए ग्रेस गए। कैथलीन के सारे स्टूडेंट को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी टीचर थी। एक लड़का जिसका नाम था रैंड, उसने कहा कि वो हमेशा मुझ पर बहुत चिल्लाती थी पर एक बहुत ही अच्छी टीचर थी। जेराल्ड नाम का स्टूडेंट ग्रेस से कहता है कि हमारे जैनिटर पर कैथलीन बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि वो बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ग्रेस कहती कि इसके बारे में किसी से भी बात मत करना। ग्रेस ने फिर जैनिटर से बात की। उसने कहा कि मुझे बताया कि तुम्हें कैथलीन के बारे में सब कुछ पता चल गया था, क्या तुम उसके क्लाइंट थे। जैनिटर कहता है कि मैं उसका क्लाइंट नहीं था पर मैंने उसकी वीडियो देखी थी। ग्रेस पूछती कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैनिटर ने कहा कि मेरा कजन है जो उस कंपनी में काम करता है। ग्रेस फिर डायरेक्टली एड से मिलने के लिए आ गए। ग्रेस ने कहा कि कैथलीन के एक्स हस्बैंड के खिलाफ सबूत उसने छुपा कर रखे थे। एड कहता है कि पूरी रात वो एंगेज था, वो ये चीज़ नहीं कर सकता। ग्रेस ने कहा कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम भी अपनी इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करोगे तो हम दोनों मिलकर इस केस पर काम कर सकते हैं। एड इसके लिए मान गया और जेनेटर के कज़न के बारे में उसे वो बता देती है। ये उसके घर पर जाकर इंक्वायरी करते हैं। उसने कहा कि वो वीडियोज़ मैंने सिर्फ मेरे कज़न को दिखाई थी, मैं वहाँ पर काम करता हूँ और इसी वजह से वीडियो टेप मैंने चुरा ली थी। इसके बारे में एड और भी इन्फॉर्मेशन निकालने वाला था। एड आकर ग्रेस से बात करता है कि तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ग्रेस कहती कि वो मेरी सिस्टर थी, मैं इस तरीके से नहीं बैठ सकती। इन दोनों का झगड़ा हो गया पर ग्रेस ने एड के लिए गिफ्ट लाया था, वो भी उसे जाने से रोक लेता है। ऐसे टाइम में भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम एक और वेबकैम गर्ल का शो देखते हैं। वो एक क्लाइंट के साथ थी तभी उसका लाइव मर्डर हो गया। वो क्लाइंट पुलिस को कॉल कर देता है। जिस तरीके से कैथलीन का मर्डर हुआ था उसी तरीके से ये भी मर्डर हुआ है। उस क्लाइंट से उन्होंने बात की। क्लाइंट कहता है कि मैं नॉर्मली स्ट्रीम कर रहा था, मुझे लगा कि ये सब गेम का ही पार्ट है पर जब वो चिल्लाने लग गए तब मैंने कॉल कर दिया। कैथलीन का एक्स हस्बैंड ग्रेस के कॉल ले नहीं रहा था तो डायरेक्टली उसके पास पहुंच जाती है। कैथलीन की फ्यूनरल पर उसके बेटे को उसने आने नहीं दिया था। ग्रेस कहती कि उसकी डेथ से सबसे ज़्यादा तुम्हें ही फायदा होने वाला था। एक्स हस्बैंड ने कहा कि अगर मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था पर वैसे भी कैथलीन उतनी परफेक्ट नहीं थी, वैसे भी केस में ही जीतने वाला था। गुस्से में ग्रेस उसे स्लैप कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड और उसका फ्रेंड डिटेक्टिव को मर्डर की थ्योरीज बता रहे थे क्योंकि दोनों मर्डर एक ही टाइप से हुए थे। कैथरीन के फ्यूनरल पर ग्रेस को सहारा देने के लिए एड भी मौजूद था। कैथलीन के स्टूडेंट जेराल्ड ने कहा कि कैथलीन को लिलीज बहुत पसंद थे, उनके लिए मैं आज ये लेकर आया था। उसकी मदर जो सैनेटर थी उसे जल्द से वहां से लेकर जाती है। इन फूलों में एक नोट थी जिस पर लिखा था कि जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिल गया। इसका मतलब है नोट किलर ने भेजी थी। ये डायरेक्टली पुलिस स्टेशन आकर वो डिटेक्टिव को दे देती है। उसने कैप्टन से कहा कि मैं भी इस केस में बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, कभी कभी एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है। उसने पहले भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे। जो नेक्स्ट मर्डर हुआ था वहाँ के फोटो देखकर उसने एक थ्योरी बनाई कि किलर लास्ट मर्डर को फिर से उसी तरीके से दोहराने की कोशिश कर रहा था। सेकंड मर्डर में सिर्फ उसने कॉपी करने का काम किया है। उसकी ये सब एक्सपर्टीज देखकर कैप्टन उसे टीम का पार्ट बना लेती है। इन्हें उस नेक्स्ट मर्डर की टेप मिली थी। मर्डर करने के बाद मर्डरर डेजरी या नाम चिल्ला रहा था। डेजरी या कैथलीन का यूजर नेम था। इसका मतलब है सेकंड मर्डर सिर्फ कवर अप करने के लिए किया गया था। फर्स्ट मर्डर के पीछे ही मोटिव इम्पोर्टेंट है। जिन फ्लावर पर ग्रेस को नोट मिली थी उसे पुलिस ने ट्रेस किया। ग्रेस को जो फ्लावर्स मिले थे ये किसी स्टूडेंट के फादर ने बाय किए थे। इस स्टूडेंट का नाम था रैंड और रैंड के फादर से फिर वो बात करते हैं। उन्होंने पूछा कि जिस रात कैथलीन का मर्डर हुआ था तो उस रात रैंड कहाँ पर था। फादर ने कहा कि हम एक प्ले देखने के लिए गए थे पर अचानक से उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई और वो घर पर आ गया। उन्होंने उसके शू की साइज पूछी, वो 11 थी जो मर्डरर से मैच करती है। वो फिर डायरेक्टली रैंड से बात करते हैं। उस रात के बारे में उन्होंने उसे पूछा तो कहता है कि रात भर में घर ही था। आप हाउसकीपर से ये बात कंफर्म कर सकते हो। एड पूछता है कि तुमने फूल क्यों भेजे। रैंड ने कहा कि हम पूरा क्लास मिलकर फूल भेज रहे थे, ये वही फूल थे। ग्रेस पूछती है तुम्हें कैथलीन के बारे में क्या लगता था, क्या तुम उससे अट्रैक्टेड थे।
रैन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी एज तो मुझसे बहुत ही ज्यादा थी। वो कभी कभी मुझ पर चिल्लाती थी पर वो मेरे अच्छे के लिए ही था। रैन से बात करने के बाद सबको लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम और एक लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली लड़की को देखते हैं। उसकी स्ट्रीमिंग खत्म हुई और अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। उसने बहुत स्ट्रगल किया और एक नाइफ से उसके हाथ पर वो कट मार देती है। अटैकर डर कर फिर वहां से भाग जाता है। एड और क्रेस मिलकर उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसने कहा कि उस लड़के की एज बहुत ही कम थी पर फिर भी उसमें बहुत सारी ताकत थी। वो बार बार मुझे डेजरी के नाम से भुला रहा था। उसके हाथ में एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच थी जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स बने हुए थे। सब स्टूडेंट में से सबसे रिच रैंडी था तो उसके खिलाफ सर्च वारंट लेकर उसके घर पर वो पहुंच जाते हैं। उसके रूम में वही वॉच उन्हें मिल गई। एड ने रैंड से पूछा कि आज रात तुम कहाँ थे। रैंड कहता है कि पार्क में वॉक करने के लिए मैं गया हुआ था। उन्होंने उसे शर्ट निकालने के लिए कहा तो उसके हाथ पर चोट आई हुई थी। वो कहता है कि पार्क की फेंस की वजह से मेरा हाथ कट गया था पर उस पर बिलीव नहीं करते। घर जाते वक्त क्रिस जैनिटर से मिली। उसने उसे पूछा कि क्या तुमने टेप किसी और के साथ भी शेयर की थी। जैनिटर ने कहा कि मैंने नहीं की थी पर मेरे कजन ने उसे वो सारी टेप्स दिखाई थी। एक्चुअल में उसका कजन और रैंड ये दोनों बॉयफ्रेंड थे। जरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एड और उसके पार्टनर को पता चला कि जो वॉच उन्हें रैंड की यहाँ पर मिली वो बहुत ही कॉमन सी वॉच है। जिस लड़की पर अटैक हुआ था उसके नाइफ पर पड़ा हुआ खून और ये रैंड का खून, ये दोनों चीज़ मैच नहीं करती। रैंड के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद ग्रेस को भी लगने लग गया कि वो मर्डरर नहीं है। जिस एजेंसी में कैथलीन काम करती थी वहाँ से और भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ग्रेस वहाँ पर पहुँच गई। ओनर ने कहा कि कैथलीन की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, बहुत सारे कस्टमर उसी के बारे में पूछते रहते हैं। ग्रेस को आइडिया है कि वो कैथलीन ने इस तरीके से ढोंग कर सकती है। कैथलीन जिस तरीके से परफॉर्म करती थी उसके सारे वीडियो उसने देख डाले। एड को पहले ग्रेस का इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं लग रहा था। एड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही केयर करता हूँ और इसी वजह से तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ। ग्रेस उसे किस कर लेती है। एड ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद अलग अलग सस्पेक्ट को लेकर ये थेरीज बना रहे थे। ग्रेस ने कहा कि अगर मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं ही कैथलीन हूँ तो किलर मुझे मारने के लिए आ सकता है, हम उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। रात में ग्रेस अपना शो स्टार्ट कर दिया पर वहाँ पर कोई भी नहीं आया। एड ने और भी स्टूडेंट के साथ बात की पर सब कहते थे कैथलीन एक बहुत ही अच्छी टीचर थी, सब उसे पसंद करते थे। एड ने कहा कि यहाँ पर सब स्मार्ट बच्चे हैं, कोई भी अलग कंट्री का कनेक्शन बनाकर कैथलीन का शो देख सकता था। इन स्टूडेंट में से किसी को ढूंढना है बहुत ही हार्ड होगा। आज स्कूल में रेसलिंग की प्रैक्टिस चल रही थी जिसमें जेराल्ड और रैंड ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। जेराल्ड ने रैंड को हरा दिया और उसे चिढ़ा रहा था। रैंड तभी जेराल्ड के मोबाइल में कैथलीन की फोटो देखता है। उसे रियलाइज हुआ कि जेराल्ड हमेशा से उससे अपसेस था। जेराल्ड वही के वही रैंड को बहुत मारता है। रैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब एड और उसके पार्टनर को ये बात पता चली तो उसे अरेस्ट करने के लिए डायरेक्टली उसके घर पर वो पहुंच जाते हैं। ग्रेस ने अपने शो कंटिन्यू किए थे पर फिर भी उसे किलर मिल नहीं रहा था। हम जेराल्ड के घर पर देखते हैं, कभी भी उसकी मदर उसे अटेंशन देती नहीं थी। पुलिस उसके घर पर पहुंचने के बाद उसकी मदर ने कहा कि वो बेसमेंट में है। उन्होंने चेक किया पर वो कहीं पर भी नहीं था। ग्रेस से कैप्टन ने कहा कि अब तुम्हें शो बंद कर देना चाहिए, वो किलर आ नहीं रहा। पर लास्ट टाइम ग्रेस अपना शो कंटिन्यू करती है, तभी वहां पर उसे मारने के लिए जेराल्ड पहुंच जाता है। ग्रेस उसे देखकर सरप्राइज नहीं थी, उसे उस पर हमेशा से शक था। जेराल्ड ने कहा कि मैं कैथलीन से प्यार करता था। ग्रेस कहती है कि तुम्हारी मदर ने कभी भी तुम्हें अटेंशन नहीं दी, कैथलीन बहुत ही केयरिंग थी और उसी वजह से उससे तुम प्यार करने लग गए, पर जब उसके सीक्रेट के बारे में तुम्हें पता चला तो तुमने उसे मार डाला। जेराल्ड ने कहा कि सब कुछ सच है, अब तुम्हें मारने के बाद मैं मेरी मदर को भी मार डालूंगा। ये सब कुछ बड़ी चालाकी से ग्रेस ने रिकॉर्ड कर लिया था। जेराल्ड देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लग जाता है। ग्रेस ने अपने पास एक गन रखी थी पर उस तक वो पहुंच नहीं पाती। जेराल्ड के उसके घर पर ना मिलने के बाद एड जल्दी से घर पर पहुंच गया। एड ने जेराल्ड को रुकने के लिए कहा पर जेराल्ड गन लेकर उसे मारने वाला था तो एड ही उसे मार डालता है। मर्डर सॉल्व होने के बाद ग्रेस और एड एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। ग्रेस ने हमेशा उसके साथ ही रहने का डिसाइड किया था। इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस में भी उनकी लव स्टोरी कंप्लीट हुई और इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।